पाँच साल में तो खूब दिक्कत हुआ, मेरे से कभी भेंट आज तक भी नहीं हुई हम लोगों को। भोलानाथ पुल से यहाँ आने जाने में इतनी कठिनाई के गिर जाते हैं हम लोग बूढ़े आदमी, और मेयर तो कभी आई ही नहीं। यहाँ के मेयर का पाँच साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाई करने के सिवा। सेंटिस कंपाउंड के पास दिख रहा है सड़क बन गई अच्छी, सेंटिस कंपाउंड बन रहा है। भाई साहब वहाँ बन गई, यहाँ पर क्या हुआ है? ये अछूता जगह है, यहाँ अछूत लोग रहते हैं कि ये पाकिस्तान में आता है, ये भारत का ही हिस्सा है कि भागलपुर का ही हिस्सा है, कि ये दक्षिणी भागलपुर का हिस्सा नहीं आता। मूड क्या लग रहा है आप लोगों का? मूड तो बदलाव निश्चित है। सरकार बहुत अच्छा काम किया है कि मेयर का चुनाव अलग तरह से होने जा रहा है, और ये जनता के लिए आज एक फायदा का विषय है, और जनता अपने मन से और मेयर चुनेगा, और जो काम करेगा उसी को मेयर चुना जाएगा। वसुंधरा लाल जीतेगा, अगर फुल मोहम्मद आगे वसुंधरा लाल जीतेगा। खैर दिखाएगा ही, वही तो है, यहाँ खाली पैसा घोटना है, करना थोड़े है कुछ। हम लोग के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली तो कमोबेश ठीक ठाक है, लेकिन सड़क और पानी नाली की समस्या अभी तक जस की तस पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हर हाल में बदलाव चाहिए। अच्छा ठीक है, सन्नीस कंपाउंड की जगह पर आपका हो गया, और सब जगह बताइए। वो तो खेलने कूदने की जगह है, जहाँ मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे मारवाड़ी लेन है, चुनारी टोला है, वहाँ जाकर देखिए एक रिक्शा घुसता आदमी जा नहीं पाता है वहाँ पे। हाँ सीसीटीवी लग गया है, वो सब है, उससे क्या फायदा होने वाला है? तब क्या चाहिए? नाली में रोड पे पानी बह रहा है, नाली कहीं है ही नहीं। नगर निगम का क्या दायित्व है? पाँच साल किसी तरह से खींच देना है। जो सब मशीन का यहाँ जरूरत नहीं है, वो सब मशीन परचेज होके कमीशन के लिए खरीदा गया है। हम लोग तो मतलब बाका से भी गए गुजरे, अदर कोई भी सिटी ले लीजिए, भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र का बात ही अलग है, छोड़ दीजिए, लगता ही नहीं कि भागलपुर में है। नगर निगम भागलपुर का चुनाव होना है, पहली बार लोगों को मेयर चुनने का खुद से मौका मिला है। अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसमें जो पार्षद होते थे वो मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार मामला बदल गया है, इस बार लोग खुद मेयर चुनेंगे। तो हम भी भागलपुर में निकले हैं जनता का मूड जानने के लिए, क्या है जनता का मूड, लोग क्या सोच रहे हैं। इस बार जो है हम अभी हैं शिवपुरी कॉलोनी में, जो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है भागलपुर में, वहां पहुंचे हैं। यहां पे कुछ बुजुर्ग लोग मिले हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार जनता का मूड अपने मेयर प्रत्याशी को लेकर। क्या लग रहा है इसका, क्या मूड है इस बार भागलपुर का, कैसा दिख रहा है? मूड तो देख रहे हैं ठीक है, समझे ना, इसमें होगा क्या, जैसे 11 कैंडिडेट सुनते हैं उसमें से विशेष वोट होगा, यदि एक पक्षी वोट होगा तो अंदाज है कि जो है मोहम्मदन कैंडिडेट निकल जाएंगे। यदि इधर यदि हुआ तो मेयर जो अभी वर्तमान में है उनका भी पोजीशन ठीक है, और विशेष इसमें कैसा लग रहा है जो वर्तमान मेयर रही है पाँच साल में आपके क्षेत्र में, कैसा काम दिखा? देखिए है तो दक्षिणी क्षेत्र का मेयर है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चाहे स्मार्ट सिटी के फंड से हो, चाहे किसी भी नगर निगम की ओर से दक्षिणी, जिसमें भोलानाथ पुल तो बिल्कुल जो है ना, यह दक्षिणी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पुराना मांग है। इस बार कुछ लोगों को उम्मीद जगा है कि भोलानाथ पुल बन जाए, लेकिन मेयर को तो प्रयास करना चाहिए था। जैसे सड़क का स्थिति भी देखिए, सबसे शिवपुरी का स्थिति तो सड़क का एकदम बेहाल है, जो मेन रोड है उसका मेन रोड भी तो मेन रोड भी तो जो जितना भी जो है कोड़ खान हुआ है सब तो वैसे पड़ा हुआ है, जो भी बनाया गया। कितना वक्त पहले कोड़ा था, अभी तक नहीं बन पाया, कितना वक्त? 6 महीना पहले तो जरूर कोड़ा होगा, और 3 महीना 4 महीना ऐसे रह गया, और यदि बनाया भी गया तो ऐसा सीमेंट से बनाया कि 2-4 रोज में ही वो उखड़ उखड़ के सब कंप्लीट हो गया। अच्छा ये 5 साल में मेयर आई दोबारा, मतलब कि कैसा हाल चाल है शिवपुरी कॉलोनी का लिया? नहीं बस आई तो कोई नहीं, मेयर क्या कोई नहीं आई है, कोई नहीं आया। और यहाँ का शिवपुरी का वर्तमान पार्षद जो भी है वो तो आती थी, लेकिन विकास का काम इधर कुछ नहीं हुआ। नहीं तो क्या लग रहा है लोग का क्या मूड होगा इस बार, बदलाव करेगा या जो है उन्हीं को फिर ले? अब मेयर फर्स्ट चुनाव है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ किसको कितना वोट मिलेगा, ये तो अब समय बताएगा। क्या इस क्षेत्र में क्या लोगों का मूड है, बदलाव चाहता है या फिर नहीं बुलाना है? यहाँ तो लोग बदलाव चाहता है, यहाँ के लोग। 5 साल में क्या दिक्कत हुआ आपको? 5 साल में तो खूब दिक्कत हुआ, मेयर से कभी भेंट आज तक भी नहीं हुई हम लोगों को, कभी नहीं आई हूँ। तो मेयर को पहचानते हैं ना? हाँ पहचानते हैं। तो क्या हुआ समस्या लेके आप लोग भी नहीं जा पाए?
हम लोग तो गए कई बार, कहे जाके नहीं कहे कैसे ने, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, आज तक तो नहीं हुआ कुछ। तो क्या जनता पसंद कर रही है पिछले मेयर को, लाना चाहेंगे उसको? संभवता नहीं होगी। तो क्या बदलाव? हाँ, बदलाव तो सब चाहिए रहा। यहाँ पे शिवपुरी कॉलोनी की अगर बात कर ले तो यहाँ जो मेन रोड है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है हम लोगों ने देखा, और जो शिवपुरी कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हैं सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में है, नाला का पानी हमेशा जो है रोड पे बहता रहता है। लोग काली स्थान जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो शुद्ध होकर घर से निकलते हैं, लेकिन काली स्थान कैसे पहुँचते हैं वो जो जाते हैं वही बता पाएंगे। क्या लग रहा है शिवपुरी कॉलोनी का रोड जो है सही चल रहा है कैसा? रोड नाला दोनों ख़त्म है यहाँ का पूजा करने के लिए। ठीक है, आपने कहा कि पूजा करने के लिए जाते हैं शुद्ध करके जाते हैं, लेकिन पानी में हेल करके जाना पड़ता है, क्योंकि नाला की स्थिति एकदम ख़राब है, नाला का पानी रोड पर चला आता है एकदम। तो नाला का पानी जो रोड पर चला आया, किसकी जिम्मेदारी थी इसको ठीक करने की, किसकी जिम्मेदारी थी? अब ये जिम्मेदारी तो निर्धारित करना है, कहा है कि किसकी जिम्मेदारी है, नगर निगम की है कि नहीं है, कि मेयर इसमें होना चाहिए था उसका हाथ। मेयर कभी आई इस क्षेत्र में समस्या को देखने के लिए? नहीं, समस्या देखने के लिए नहीं आई है कभी। कभी नहीं आई? नहीं। तो क्या लग रहा है 28 तारीख को वोट करने के लिए जाना आप लोगों को, तो इस बार वोट करने जाइएगा तो क्या करिएगा, उस मेयर को लाना है फिर से या बदलाव, क्या क्या मूड है? नहीं, अब बदलाव की तो इच्छा है कि बदलाव कहीं होना चाहिए। बदलाव की इच्छा हो रही है? जब बदलाव अगर करते हैं तो कुछ कुछ मूड बनाए हैं कि कौन प्रत्याशी ठीक ठाक दिख रहा है आपको, अच्छा दिख रहा है, इससे बेहतर कुछ हो सके कोई दिख रहा है? तो ये दो चार दिन में पता चल लग जाएगा, अभी तो पता नहीं चला है, अभी कुछ तय नहीं हो पाया। तो अधिकतर लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव के बाद कौन, ये बड़ा सवाल है। दो चार दिन का समय लोग मांग रहे हैं, क्या लग रहा है दो चार दिन में पता चल जाएगा क्या बदलाव होना है? अभी बदलाव कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों को बड़ी कठिनाई, हम तो 10 वर्ष से है हाई स्कूल से रिटायर हुआ है, चल फिर नहीं सकते। यह रोड जो है जाकर के भोलानाथ पुल से यहाँ आने जाने में इतनी कठिनाई की गिर जाते हैं हम लोग बूढ़े आदमी, और मेयर तो कभी आई नहीं, क्या समस्या नहीं है। सरकार की ओर से कई बार आया नाली बनाने के लिए, पैसा लौट गया, लोग पैसा के कमीशन में जाकर के यहाँ से ख़त्म हो गया। भोलानाथ पुल बनेगा बनेगा बनेगा, आज 10 बरस हो गया था, हम लोग वही नरक में अभी। क्या लग रहा है आप जो है अपने जीते जी देख लीजिएगा भोलानाथ पुल बना हुआ? अब वही तो है, अब जब तक हैं तो अब देख सकेंगे कि नहीं सकेंगे, उम्मीद रखते हैं कि देख लीजिएगा? हमको तो अभी नहीं, अब उम्मीद जगह है, अभी उम्मीद तो नहीं, अब उम्मीद जगह कि पुल देख लीजिएगा? देख ही लेंगे हम लोग। अच्छा, अभी देख लेंगे, पुल शुरू होती है तो। अच्छा, आपकी बात बस सुन रहा है, बन रहा है। काफी पीढ़ी निकल गई, बहुत पुल बहुत बड़ा समस्या था, हालांकि मेयर के क्षेत्र से बाहर का चीज था ये, लेकिन खास करके शिवपुरी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, शिवपुरी कॉलोनी, कृष्णापुरी कॉलोनी या मिर्जान तरफ जो जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अब पुल का प्रोसेस चालू हो गया, बनने की उम्मीद है, चलिए अच्छी बात है। क्या लग रहा है मेयर का काम जो है 5 साल में आपके मन लायक रहा? मेयर का, यहाँ के मेयर का 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाई करने के सिवा। मेयर या जो भी वहाँ वार्ड सदस्य थे, सभी कोई लड़ाई करने में 4 बरस मस्त रहे हैं, बाद बाकी जनता का कोई खोज खबर नहीं हुआ है। चाहे शिवपुरी कॉलोनी के वार्ड नंबर 48 का पार्षद हो या मेयर हो, कोई भी हो, कोई भी शिवपुरी कॉलोनी के लोगों को देखने के लिए नहीं आया। क्या लग रहा है? हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा मेयर का 5 साल का काम, कैसा देख रहे हैं मेयर का 5 साल का काम? एक तो मेयर का जो भी कार्यकाल है, भागलपुर शहर स्मार्ट शहर किसने बोला है और किसने घोषित किया, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी का ये योजना था, मोदी जी का योजना केवल ये भोलानाथ पुल के उधर ही है, इधर नहीं है, ये भागलपुर से बाहर का जगह है। एक भी योजना स्मार्ट सिटी का, केवल सिग्नल लाइट लगा देने से स्मार्ट सिटी में इसाकचक और शिवपुरी कॉलोनी आ जाता है। सैंडिस कंपाउंड के पास दिख रहा है सड़क बन गई अच्छी, सैंडिस कंपाउंड बन रहा है। भाई साहब वहाँ बन गई, यहाँ पर क्या हुआ है? ये अछूता जगह है, यहाँ अछूत लोग रहते हैं कि ये पाकिस्तान में आता है, ये भारत का ही हिस्सा है कि भागलपुर का ही हिस्सा है, कि ये दक्षिणी भागलपुर का हिस्सा नहीं आता। मेयर तो इसी से जी 50 जो वार्ड पड़ता है दक्षिण में ही पड़ता है। वो तो उनकी समझदारी है ना, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है इस चीज के लिए, उन्होंने संघर्ष ही नहीं किया है कि हमारा क्षेत्र विकसित हो। उन्होंने तो पूरे शहर में क्या देखा पता नहीं,
भाई जिस शहर जिस इलाके से उन्होंने उनको निर्वाचित करके वहाँ भेजा उन्हीं की अवहेलना की उन्होंने। तो क्या इतना नाराजगी, मतलब क्या मूड क्या लग रहा है? मूड तो बदलाव निश्चित है। सरकार बहुत अच्छा काम किया है कि मेयर का चुनाव अलग तरह से होने जा रहा है और ये जनता के लिए आज एक फायदा का विषय है और जनता अपने मन से और मेयर चुनेगा और जो काम करेगा उसी को मेयर चुना जाएगा। वसुंधरा लाल जीतेगा, आपके फुल मोहम्मद है कि वसुंधरा लाल जीतेगा? क्या कर ले जीत जाएगी? जीतेगा, अच्छा काम करता है वो, अच्छा काम नया आई है राजनीति में जो है नया, नहीं करेगा वो काम, नहीं आया तो काम करेगा वो, अच्छा काम करेगा। डॉक्टर भी हैं, समय दे पाएंगे? हाँ दे देगा वो समय, वो अपने लिए समय दे देगा मेयर के लिए। सीमा सर से क्या आपका थी है कि नहीं वो काम नहीं कर पाया ना भागलपुर का, नहीं कर पाया कोई काम। तो 5 साल मेयर रही, काम नहीं पसंद आया? नहीं नहीं पसंद आया। और कुछ लोग हैं, चलिए उनसे ही बताइए। हम तो देखे 4 बार मेयर हुआ, बदलाव भी हुआ, काकसा परवीन आई, वह भी दक्षिणी क्षेत्र का है, बीना जादव आई, समझे ना, उसके बाद जो है सीमा शाह आई, दीपू भवानिया आया, वो भी जो है ना करीब करीब जो दक्षिणी है। इस क्षेत्र में विकास का कोई भी नारा इन लोगों के पास नहीं, समझे ना, कोई नारा नहीं था। हम लोग तो दक्षिणी क्षेत्र बिल्कुल, मतलब कि हम लोग तो एक भाई साहब कहते हैं पाकिस्तान है, तो मतलब वो क्या पाकिस्तान पाकिस्तान है? हाँ तो कहा जाए पाकिस्तान है, हम लोग हिंदुस्तान का भाग नहीं है, हम लोगों को तो ऐसे ही लगता है। मतलब भागलपुर शहर में कुछ विकास दिख रहा है? लगता है विकास दिख रहा है, जाइए तिलका मांझी के तरफ, लगता है कि नहीं भागलपुर है, और यहाँ तो लगता है कि देहात से भी हम लोगों का बदतर स्थिति है। बरसात के समय में इस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, लोग बच्चे स्कूल में फंसे हैं, 2 घंटे से 3 घंटे बच्चे स्कूल में फंसे रह जाते हैं, किसी को कचहरी जाना है, अस्पताल जाना है, तो उनका जीना निकलना मुश्किल है, जान बचाना आफत में है, सारे चीज उधर हैं और इधर के जूता पहन के दिन में रात में कभी भी जाम लग जाता है। एक ये फ्लाईओवर बन रहा है, वो हमारे बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो हमें उम्मीद नहीं है, हम तो नहीं देख पाएंगे। नहीं ऐसा बात नहीं है, फ्लाईओवर उम्मीद है कि बनेगा, क्या लग रहा है फ्लाईओवर बन जाएगा इस बार? उम्मीद तो नहीं है। क्या बात करें, उधर कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं हम लोग देख लेंगे फ्लाईओवर, जो देख लेंगे, ना नाला है ना रोड है, यहाँ क्या है वो उसी पूरी कॉलोनी का सबसे मेन समस्या क्या दिख रहा है? ये रोड में ही नहीं है, इधर रोड देखिए, पूरा इलाका का ही मतलब तो रोड है, कहीं पे रोड ना नाला है, खाली निकाल देता है, कूड़ा धर देता है रोड पे, फिर जाता है उसी में, धूल भी काफी से एरिया में दिख रहा है। सर दिखाएगा ही, वही तो है, यहाँ खाली पैसा घोटना है, करना थोड़े है कुछ। तो क्या लग रहा है जो 5 साल जो रहा पिछला कार्यकाल मेयर का, कैसा कहीं कैसा हुआ है काम? काम नहीं दिख रहा, कहीं नजर नहीं है, ना बोर्ड ही नजर नहीं आता है। शिवपुरी कॉलोनी दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग हैं और लोगों से राय ले रहे हैं, काफी नाराजगी है लोगों की। लोगों का कहना है कि शहर में कुछ विकास कार्य दिख रहे हैं, सैंडिस कंपाउंड हो, तिलका मांझी हो, वहाँ दिख रहा है, लेकिन पता नहीं दक्षिणी क्षेत्र को क्यों शुरू से अछूता माना गया, अभी भी अछूता माना जा रहा है। सबसे अधिक नाराजगी इस युवा ने दिखाई। एक और है, इनसे बात कर लेते हैं, इधर है, क्या लग रहा है दक्षिणी क्षेत्र की क्या स्थिति है? दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति, हम लोग तो बहुत लगभग 30-32 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, जहाँ तक सुधार की आवश्यकता है। और अभी जो वर्तमान में जो अभी निवर्तमान जो मेयर थी, ना तो पहले कुछ ऐसा काम हुआ, ना इसके पहले भी और कुछ ऐसा काम हुआ। जो मूलभूत समस्या थी हम लोगों के लिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली तो कमोबेश ठीक ठाक है, लेकिन सड़क और पानी नाली की समस्या अभी तक जस की तस पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हर हाल में बदलाव चाहिए। अब इसके लिए कौन जीतेंगे, क्या जीतेंगे, वो तो समय बताएगा, 28 तारीख बहुत ही नज़दीक है और हम ही लोगों को फैसला करना है कि किनको सामने लाना है और किनसे क्या काम करवाना है और लेना है। बाद में कि वो जो आएंगे, अब वो अब किस बार कैसा काम करते हैं, अब वो आगे देखा जाएगा। हमारे साथ एक और युवा है, इनसे ही बात कर लेते हैं। इसी पूरी कॉलोनी में पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा दिखा आपको मेयर का यहाँ पे? देखिए कार्यकाल तो अभी नाम मात्र का ही दिखा है। कुछ कुछ जगह पे जैसे अंतिम में जैसे चुनाव का टाइम आता है तो इसे भोलानाथ पुल हुआ, वहाँ पे साफ सफाइया करवाते हैं इन लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब विकास का नाम का कोई चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब देखिए चुनाव के माहौल में अंतिम समय में
किसको हम वोट दें नहीं दें वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम तो बात करेंगे विकास का। केवल नाली सफाई से या बिजली के पोल पे लगाने से विकास नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ भागलपुर का कंजेस्टेड जगह का, मतलब इतना कम चौड़ा रोड यहाँ हमारा है, इतना मतलब क्या कहते हैं, तो स्मार्ट सिटी से इतना अच्छा रोड बन गया, सैंडिस कंपाउंड के पास से कितना चौड़ा रोड बन गया है आप। अच्छा ठीक है, सैंडिस कंपाउंड के जगह पे आपका हो गया, और सब जगह बताइए वो तो खेलने कूदने की जगह है, जहाँ मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे मारवाड़ी लेन है, चुनारी टोला है, वहाँ जाकर देखिए एक रिक्शा घुसता आदमी जा नहीं पाता है वहाँ पे। तो आपका कॉलोनी का क्या हाल है सी, पूरी कॉलोनी में देखिए जिस तरह पहले था कॉलोनी में हमारा रोड चौड़ा सा, अंदर देखिए गायत्री मंदिर से लेकर के बैंक तक एकदम हमको इतना सुंदर रोड पहले था कि एक भी कंकड़ पत्थर वहाँ पे नहीं था। अभी देखिए बरसात के दिन में यदि पानी पड़ता है तो लगभग ठेना भर से ज़्यादा पानी यहाँ से वहाँ तक गायत्री मंदिर तक हो जाता है, और रोड देखिएगा आप तो लगभग दोनों तरफ दो दो हाथ का रोड टूटा हुआ है। यदि पानी ठेना तक रहता है, पानी निकालने का काम किसका, किनका, किनका, नगर निगम का है। ये जो हमारी जो आप जो बोल रहे हैं मेयर का सबसे बड़ा दायित्व तो इसी का है। ऐसा बात कि नहीं जनता भी सहयोग करेगी, ऐसा बात नहीं, लेकिन आप आइए कम से कम बरसात के दिन में यहाँ आइए, देखिए माहौल यहाँ जो दक्षिणी क्षेत्र है कैसा माहौल यहाँ का है। आप हमारे वार्ड 48 वार्ड में पढ़ते हैं, 48 वार्ड में, इस वार्ड को भी साथ में रखिए, कुछ जनता को भी साथ में रखिए। तो 28 तारीख को वोट करने के लिए जाना है तो कैसा काम दिखा, मत करिएगा फिर से। देखिए हम देखिए हम काम में वोट नहीं देंगे, वोट हमारा एक अधिकार है, वोट हमको देना है तो वोट तो हमको देना ही है, हम देंगे ही वोट। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि विकास के नाम पे या कैसा कार्यकाल उनका रहा उस नए, उस लिए नहीं, हम तो वोट तो देना ही है। तो विकास के नाम मत समझिएगा, 100% बोलिए तो हम 10% इसमें देंगे, 10% कुछ ना कुछ हुआ है, 10% दिख रहा है, 10% दिखता है। देखिए कोई बनेगा तो होता ही है, वही 10% मान लिए हम, और क्या, इतना ही समझिएगा आप। तो एक और युवा हमारे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। 5 साल से मेयर का जो कार्यकाल रहा आप लोगों ने देखा, अच्छा से कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल क्या रहेगा, कुछ काम दिख रहा है शहर में, शहर में स्मार्ट सिटी का काम तो दिख रहा है शहर में। क्या दिख रहा है, स्मार्ट सिटी सब जगह लग गया है, लाइट लग गया क्या वो आप देखिए, स्ट्रीट लाइट कितना लग गया है सब जगह। हाँ CCTV लग गया है, वो सब है, उससे क्या फायदा होने वाला है, तब क्या चाहिए। नाली में रोड पे पानी बह रहा है, नाली कहीं है ही नहीं, नगर निगम का क्या दायित्व है, 5 साल किसी तरह से खींच देना है। जो सब मशीन का यहाँ जरूरत नहीं है वो सब मशीन परचेज होके कमीशन के लिए खरीदा गया है। तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप है? वो वैक्यूम वाला क्लीनर वाला रोड है यहाँ पे, रोड कहाँ दिख रहा है आपको, क्या है नगर निगम का रोड, पानी का पाइप कटा क्या महीना हुआ है, क्या हो रहा है ये सब। बड़ा गंभीर आरोप लगा दिए कमीशन के लिए मशीन खरीदा रहा है, सच में ऐसा हो रहा है क्या? वैक्यूम वाला मशीन है ना निगम में, कहाँ वैक्यूम उससे क्लीनिंग हो रहा है बता दीजिए। तो आपके दक्षिणी क्षेत्र का जो है, दक्षिणी क्षेत्र तो छोड़ ही दीजिए इसका बात ही मत कीजिए, दक्षिणी क्षेत्र भागलपुर में है, यहाँ का खाली वोट देना है और कुछ भागलपुर में नहीं है, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है दक्षिणी क्षेत्र, क्या भागलपुर से अलग है। साथ में आके देखिए आप, तालाब से कम कहिएगा तब बताइएगा। दक्षिणी क्षेत्र में केवल वोट मांगने के लिए यहाँ पे आया जाता है, अधिकार के नाम पे कुछ भी नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र में केवल वोट मांगने के लिए ही, और नाला सफाई के बाद करवा दिया, एक बार हो गया, इसका कोई सच्चा निदान निकलना चाहिए तब। क्या लगता है क्या निदान है, आप ही बताइए। निदान यही है कि देखिए जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा रोड का, टाइम टाइम पे नाला का सफाई नहीं होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आप पहले ओवरब्रिज बनाइए उल्टे क्या कहते हैं भोलानाथपुर पर, सबका निदान वही है, जितना अतिक्रमण हुआ है रोड पे उसको ठीक कीजिए आप, देखिए ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इनसे मिलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। ये सुजीत कुमार है, इन्होंने समस्याएं बताई और समाधान भी बता रहे हैं कि क्या समाधान दक्षिणी क्षेत्र का, पता नहीं ये समाधान हमारे जो है जिनको ये करना था समस्या का समाधान उनको समझ में क्यों नहीं आया पिछले 5 साल में। 5 साल पहले जो है ना बिजली तो आता पहले भी था, 1-2 घंटा का अंतर पड़ा भैया, क्या 20-22 घंटा तो पहले भी आता था, अभी भी वही जाता आता है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है यहाँ बरसात का, हमारा रोड का, चौड़ीकरण का। आज गांव में भी वो स्थिति नहीं है, गांव में भी नाला अच्छा है, लेकिन ये शहर लगता नहीं कि स्मार्ट सिटी। हम लोग तो मतलब बांका से भी गए गुजरे, अदर कोई भी सिटी ले लीजिए, भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र का बात ही अलग है, छोड़ दीजिए लगता ही नहीं कि भागलपुर में है। काफी नाराजगी एरिया में है हम लोग। आप सरम्बस पुल हो जो हमारे 48 वार्ड के बॉर्डर के पार
पड़ता है गोराडी ब्लॉक में, सरमासपुर में देखिए कितना अच्छा रोड बना हुआ है, अगले वार्ड के देखिए बाईपास कितना अच्छा बना हुआ है, तो क्या हमारे इधर नहीं हो सकता है? इधर हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र 48 वार्ड है, क्या यहाँ दो युवाओं के बीच में हम पड़ गए हैं? दोनों युवा काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो दक्षिणी क्षेत्र में समझ में आ रही है, सड़क और नाली, नाली से बाहर निकला हुआ पानी, जल जमाव, सड़क काफ़ी संकुचित हो चुकी है, सड़क को चौड़ा होना चाहिए। सुजीत कुमार जी थे, इन्होंने समस्या ये बताया और समाधान ये बताया कि क्या समाधान हो सकता है। ऐसे ही और लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मूड है भागलपुर का। 5 साल का काम तो अभी मिला जुला के इधर कोई खास नहीं है, भोलानाथ पुल को लेकर के अटक गया है, इधर सारा काम जो व्यवधान है भोलानाथ पुल का जो होना एकदम ओवरब्रिज तो बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं, और उसी के लिए इधर जो है जरा सा वर्षा होती है नाला पर जो है पानी, मतलब घर जिसका लेयर नीचे है उसका घर भी घुस जाता है पानी, बहुत तरह की समस्या है, मतलब जल जमाव सबसे बड़ा समस्या है, बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है जल जमाव को किसको ठीक करना चाहिए था? ये सब तो नगर निगम का काम है। तो मेयर क्या, मेयर तो इसी क्षेत्र के हैं, मेयर अपना काम नहीं कर पाए, क्या लग रहा है? नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में तो नहीं किया है काम, शहरी क्षेत्र में तो कुछ स्मार्ट सिटी का योजना दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन इधर दक्षिणी क्षेत्र में नहीं किया है काम। इधर सही सीमा सा उनका कहना है कुछ मजबूरी रही कि इधर काम नहीं हो पाया जो है, हाँ। बाकी जगह तो काम हुआ है उनका, हुआ है, लेकिन इधर हम लोगों के एरिया में काम नहीं किया है भाई। तो क्या लग रहा है 28 तारीख को वोट देने जाना है, क्या करिएगा आप लोग? अब जैसा अब हम लोगों का विचार होगा सब आदमी का वही करेगा। तो दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग थे सिपुरी कॉलोनी में, यहाँ हम लोगों ने हर एक उम्र के लगभग लोगों से बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। सबसे बड़ी समस्या इधर जो लोगों ने बताई कि सड़क यहाँ काफ़ी ख़राब है, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है, नाली सड़क पे बह रही है। इन लोगों का ये कहना है कि भागलपुर शहरी क्षेत्र, खासकर तिलका मांझी हो या फिर जो है सैंडिस कंपाउंड का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ स्मार्ट सिटी के फंड से काम हुआ है तो विकास कार्य दिख रहा है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र शायद इन लोगों का कहना है कि भागलपुर से अलग है इसलिए स्मार्ट सिटी की योजनाएँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो अधिकतर लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव के बाद कौन, ये अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। लोगों से पूछा गया तो लोगों का कहना था कि 3 से 4 दिन के अंदर ये लोग तय कर लेंगे कि बदलाव के बाद किनको लाना है। तो आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का मूड, जिसमें कि हम लोग हर गली मोहल्ले जा रहे हैं भागलपुर के जनता का मूड जानने के लिए, आगामी आने वाला मेयर का चुनाव उसके लिए। तो 28 तारीख को मतदान करने जाना है, आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। टीवी अंग प्रदेश आपसे अपील करती है कि मत देने के लिए आप जरूर जाएं अपना, क्योंकि आपका मत आपका अधिकार है। अगर बदलाव चाहते हैं तो वही मत आपको बदलाव देगा, और यथास्थिति चाहते हैं तो वही मत आपको यथास्थिति बनाकर रखेगा। तो टीवी अंग प्रदेश के लिए सुबोध के साथ अमित राज, भागलपुर।